दोस्तों स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस उत्तम स्टडी में। जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से 2023 में मैट्रिक इंटर की परीक्षा देंगे उन सभी विद्यार्थियों को मैट्रिक इंटर का डमी एडमिट कार्ड को लेकर इंतजार है कि आखिर मैट्रिक इंटर का डमी एडमिट कार्ड को किस तरह से डाउनलोड करना है और डमी एडमिट कार्ड क्यों जारी किया जाता है। तो डमी एडमिट कार्ड इसलिए जारी किया जाता है ताकि आपका फाइनल परीक्षा का जो एडमिट कार्ड जारी किया जाए उसमें किसी भी प्रकार का त्रुटि ना रहे, ठीक है, आपको किसी भी प्रकार का परेशानियां ना हो, ठीक है। सबसे पहले बिहार बोर्ड प्रत्येक वर्ष डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करता है और यदि जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपको किसी भी प्रकार का त्रुटि दिखता है तो आप अपने स्कूल कॉलेज में जाकर जमा करते हैं और उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में आपको सुधार कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपका डमी एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। डमी एडमिट कार्ड इसलिए जारी किया जाता है ताकि आपका जो फाइनल परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया जाए उसमें किसी भी प्रकार का त्रुटि ना रहे, ठीक है। तो चलिए बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा 2023 का डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप लोग गूगल ओपन कर लीजिएगा। गूगल में आपको टाइप करना है बीएससी स्टडी, उसके बाद bscstudy.com पर क्लिक कर देना है, अन्यथा आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिलेगा, ओके। अब आप लोगों को थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे की ओर आना होगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैट्रिक इंटर परीक्षा 2023 डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे की ओर आना होगा और यहाँ पर देखिए डमी एडमिट कार्ड से जुड़ी सारा कुछ जानकारी दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि क्या क्या सुधारवार करवा सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे आप लोग देख सकते हैं 10th डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड, तो जो भी 10th के विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे और यदि जो 12th का विद्यार्थी है तो 12th डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड के सामने क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे और यहां से आप लोग डमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो फटाफट आइए और आप लोग डाउनलोड करिए।